रोहित शर्मा को भाई 440 बॉल का झटका लगा यहाँ पे, क्योंकि मुंबई इंडियन और लखनऊ सुपर जायंट का मैच चल रहा है और रोहित शर्मा काफी ज्यादा खुश थे यहाँ पे, क्योंकि उन्हें भाई टॉस जीता उन्होंने एंड उसने लिया बॉलिंग। वो सोचा कि भाई यहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक है तो चलो स्पिनर को खिलवा के यहाँ पे हम लोग मैच जीत जाएंगे। तो उसने यहाँ पे हुकुम का इक्का निकाला अपना पीयूष चावला। पीयूष चावला को बॉलिंग लाते ही यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट के जो बैट्समैन है वो भाई धड़ धड़ मतलब गिरने लगे। मतलब भाई 40-45 रन के आसपास में जाके जो लखनऊ सुपर जायंट है उसके 3 बैट्समैन मतलब आउट हो गए। अब यहाँ पे रोहित शर्मा काफी खुश, वो सोच रहे कि भाई स्पिनर लगा के यहाँ पे मतलब मारना है, मतलब यहाँ पे सारे लखनऊ वाले को भाई 50-60 रन पे ऑल आउट कर देना है। बट तभी आते हैं मार्केस स्टोइनिस जैसे यहाँ पे क्रीज पे आते हैं, 7वां ओवर चल रहा होता है, 1-2 बॉल वो भाई टुक करके रोकते हैं, तीसरे बॉल पे लग जाता है भाई छक्का। ऋतिक नाम का एक मतलब बॉलर है, नया स्पिनर है मुंबई इंडियंस का, उसको अब भाई ये चीज होते ही रोहित शर्मा को लगा शॉक। रोहित शर्मा बोला कि भाई स्पिनिंग ट्रैक पे इतना लंबा छक्का यहाँ पे मारा जो भाई मार्केस स्टोइनिस ने, बहुत भयंकर लंबा छक्का मारा था। रोहित शर्मा उसके बाद थोड़ा सतर्क हो गए और जो उसका बॉलर है यहाँ पे ऋतिक, उसको बोला भाई थोड़ा ऑफ साइड मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा टाइप का करो जिससे प्लेयर्स रोक सके। उसी के नेक्स्ट बॉल पे भी भाई यहाँ पे फिर से यहाँ पे 2-3 बॉल बाद यहाँ पे लग जाता है एक और छक्का। तो यहाँ पे रोहित शर्मा काफी ज्यादा यहाँ पे शॉक हो गए कि भाई कोई प्लेयर यहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक में 2-2 छक्के लगातार कैसे मार सकता है। तो ये चीज थी भाई। और बाकी यहाँ पे मुंबई इंडियंस और एलआईसी में जो भी टीम अगर जीतती है तो वो सीधा यहाँ पे जाएगी सेमीफाइनल में, उसका सेमीफाइनल का जो प्लेऑफ का मतलब सेमीफाइनल का जो है वो बुक हो जाएगा। तो भाई मजा लग रहा है यहाँ पे।